हिजबुल्ला के अपने वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इसराइल पर हमले के लिए तैयार है। इस वीडियो में हिजबुल्ला का मैसेज साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इसराइल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्ला का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इस वीडियो में हिजबुल्ला बता रहा है कि उसके कमांडो मोटरसाइकिल पर आएंगे और इसराइल की सेना भागती हुई नजर आएगी। हिजबुल्ला ने इसराइल को भी धमकी दी है। हिजबुल्ला ने अमेरिका को भी बता दिया है कि वो समंदर में उसका जंगी बेड़ा डुबो देगा। क्या ऐसा मुमकिन है? हिजबुल्ला की इस चेतावनी को इसराइल में बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हिजबुल्ला कैसे युद्ध लड़ता है ये इसराइल पहले भी देख चुका है। इस बार गाजा को बचाने के लिए हिजबुल्ला इसराइल से लड़ना चाहता है और इस बात को लेकर इसराइल से ज्यादा अमेरिका बेचैन हो गया है। ये दोनों देश हिजबुल्ला को आतंकवादी गुट मानते हैं, जबकि रूस, चीन, कतर, ईरान और भारत भी हिजबुल्ला को आतंकी संगठन नहीं मानते। संयुक्त राष्ट्र भी हिजबुल्ला को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है, लेकिन हिजबुल्ला की नई धमकियों के बाद कई सवाल उठे हैं। सवाल नंबर एक, हिजबुल्ला कौन है? तो जवाब है, हिजबुल्ला लेबनन की एक राजनीतिक पार्टी है और इसका अपना एक मिलिशिया है। सवाल नंबर दो, हिजबुल्ला की ताकत क्या है? तो जवाब है, हिजबुल्ला के पास 1000 लड़ाके हैं, जो लेबनन की आर्मी से भी खतरनाक फोर्स मानी जाती है। सवाल नंबर तीन, हिजबुल्ला क्यों इसराइल और अमेरिका को धमकाता है? लेबनन में हिजबुल्ला संगठन को खड़ा करने वाला है ईरान, और ईरान अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। सवाल नंबर चार, हिजबुल्ला को इसराइल क्यों इतना बड़ा खतरा मानता है? हिजबुल्ला ने रूस की फौज के साथ मिलकर सीरिया से आईएसआईएस को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिजबुल्ला ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया में युद्ध लड़ा और अब वहां तैनात है। सवाल नंबर पाँच, क्या हिजबुल्ला इसराइल को हरा सकता है? हिजबुल्ला 2006 में इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ चुका है। 34 दिनों तक चले इस युद्ध में इसराइल को सीज फायर के बाद लेबनन से पीछे हटना पड़ा था। अब 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद गाजा पर इसराइल के हमलों ने हिजबुल्ला फोर्स को सुपर एक्टिव कर दिया है। हिजबुल्ला ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इसराइल पर हमला कर देगा और ये वार्निंग देने से पहले इसराइल तक मैसेज पहुंचा दिया कि अगर इसराइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इसराइल पर चढ़ाई कर देगा। इसराइल और लेबनन के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इसराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इसराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इसराइल से हमला बोल देगा। हमास और इसराइल की सेना एक दूसरे के खिलाफ कितनी ताकत रखती है और क्या हिजबुल्ला वाकई इसराइल के लिए ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि वो उसे हरा दे? इसे समझने के लिए आपको हिजबुल्ला की उस चेतावनी को समझना पड़ेगा जो उसने अमेरिका को दी है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप भूमध्य सागर में पहुँचा दिया है। अमेरिका का ये बेड़ा, जिसमें 4 कैरियर के अलावा 5 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर है, इन सब में हर तरह की 1000 से ज्यादा मिसाइल किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। इस वक्त ये कैरियर इसराइल के गाजा में पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनन भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इसराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है।
ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्थ क्लास के कैरियर और उसके बीड़े में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है, उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इसराइल के लिए भी जेराल्ड फोर्ड कैरियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। यही भरोसा अमेरिका अब इसराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी कर सकता है, लेबनन के बॉर्डर को भी सैनिटाइज कर सकता है। लेकिन लेबनन में हिजबुल्ला को अब ईरान से ऐसी मिसाइल मिल चुकी है जो अमेरिका के इन विशाल काय जहाज को पल भर में डुबो सकती है। इस मिसाइल को लेकर हिजबुल्ला का खौफ बढ़ चुका है और वो सीधा सीधा अमेरिका के जहाज को डुबा सकता है। इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेबनन ने 2006 में इसराइल में एक कॉर्वेट यानी जंगी जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में इसराइल के युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा था। अब हिजबुल्ला के पास जो एंटी शिप मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, इसलिए लेबनन या इसराइल से ये फासला बनाना अमेरिका के लिए जरूरी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्ला की लीडरशिप तेहरान से मिलने वाले ऑर्डर पर काम करती है, इसलिए सवाल ये भी कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्ला इसराइल पर अटैक कर दे। ईरान ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त इसराइल बेहद कमजोर है या फिर अमेरिका की शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है। فوزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. इसराइल ने हिजबुल्ला को रोकने के लिए अपने उत्तरी बॉर्डर पर तोप तैनात कर दी है। ये अमेरिका से मिली M109 तोप है। 155 मिलीमीटर की ये तोप टैंक नुमा बख्तरबंद गाड़ी पर फिट कर दी गई है और ये एक मिनट में 4 गोले दाग सकती है। इस तरह से देखा जाए तो लेबनन बॉर्डर पर इसराइल ने अपनी तैयारियां पुख्ता की हुई है। वहीं लेबनन की तरफ से आप इसराइल की एक पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ रेडार भी लगे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी जो हिजबुल्ला की हरकतों पर नजर रखते हैं। इन इलाकों में 7 अक्टूबर के बाद से तनाव फैला हुआ है। लेबनन की आर्मी भी नजर रखे हुए है। यहाँ रहने वाले लोग भी जानते हैं कि हिजबुल्ला किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू कर सकता है। عملية من 73 بعتقد انه ما صار مثلها وما في خسائر بهيدي الكمية اللي صارت ولحد هلأ الشباب الله يقويهم بعدهم صامدين وبعدهم بيقاتلوا بالمستوطنات والله يقويهم ان شاء الله نحن اي شيء بجانبه. दक्षिण लेबनान और उत्तरी इसराइल के बीच जो बॉर्डर है वहाँ तनाव बहुत ज्यादा है, सन्नाटा सा छाया हुआ है। ये वो खामोशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है, इसलिए यहाँ के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुँच सकता है। यहाँ तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। लेकिन इसराइल के लिए एक और बड़ा खतरा हिजबुल्ला को ईरान से मिली एक मिसाइल को लेकर है। ये है फतह 110 मिसाइल। कहा जा रहा है कि ईरान ये मिसाइल लेबनन पहुंचा चुका है, इसलिए इस मिसाइल की बहुत ही बारीक बातें आपको बताते हैं। ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात इसराइल के लिए खतरा है। दूसरी तरफ इसराइल की सेना ने अपना गोला बारूद तैयार कर लिया है। तोपों से जो गोले फायर किए जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड पर रखे गए हैं। इसराइल की रिजर्व फोर्स भी आसपास के इलाकों में तैनात की जा रही है। ये हम्वी गाड़ियां हैं जो लगातार यहां तक फौज को पहुंचाने में लगी हुई है। 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे ज्यादा तनाव नहीं देखा गया है और अब हिजबुल्ला की वार्निंग के बाद सबकी नजर ईरान पर भी है और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर भी टैंक पहुंचा दिए हैं। ये जगह सीरिया का हिस्सा थी लेकिन 1967 में युद्ध के बाद इसराइल ने सीरिया के इस हिस्से को अपने में मिला लिया और तभी से ये इलाका इसराइल के कंट्रोल में है। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इसराइल से लेकर गाजा और गाजा से निकली ये आग अब लेबनन पहुंच चुकी है।
चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है।